आज हर इंसान चाहता है कि उसके पास दुनिया की हर वो सुविधा हो जिसे वो अपने बच्चे को दे सके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह अमीर है या गरीब। हालांकि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज के समय में पैसा बहुत कुछ ज़रूर होता है। उस गरीब आदमी के लिए जिसके लिए दो जून की रोटी जुटाना भी बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में वे अपने बच्चों को एक बेहतर और शिक्षित नागरिक बनाने के सपने को कैसे पूरा करें। तो उनके सपने को सच कर दिखाने का जिम्मा उठाया सपना शर्मा ने। सपना यूं तो भरतपुर राजस्थान की रहने वाली एक शिक्षित और होनहार महिला है, लेकिन वह शादी के बाद अपने ससुराल फिरोजाबाद आ गई। मेरा नाम सपना शर्मा है। यहाँ मैं ओझा नगर गली नंबर 2 फिरोजाबाद के निवासी हूँ जी। फिरोजाबाद, जिसे चूड़ियों का शहर कहा जाता है, जहाँ हर गली हर कूचे में आपको चूड़ी का काम होता हुआ दिख जाएगा। जब सपना ने धीरे धीरे फिरोजाबाद को जाना तो उन्होंने देखा कि उनके आस पड़ोस में काफी परिवार ऐसे थे जहाँ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। जब मैंने छोटे बच्चों को यहाँ पर वर्क करते हुए देखा, उनके पेरेंट्स भी स्टडी की तरफ नहीं थे, तो खुद ही मेरे दिमाग में आया कि क्या 1 घंटे मैं इन बच्चों के लिए निकाल सकती हूँ। बस वहाँ से ही मैंने बात करने पर पता चला कि वे बच्चे अपने घरों पर चूड़ी का काम करते हैं और अपने परिवार की जीविका चलाने में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। जब सपना ने उन बच्चों में पढ़ाई के लिए ललक देखी तो सपना से रहा नहीं गया और सपना ने इन बच्चों को खुद पढ़ाने का बीड़ा उठाया। मुझे इस गुरुकुल को चलाते हुए 6 से 7 ईयर हो चुके हैं। सृष्टि बाल गुरुकुल के नाम से हमारा ये गुरुकुल है। इसमें समथिंग 40 से 45 बच्चे यहाँ पर आते हैं शिक्षा लेने। सपना ने ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए अपने घर पर ही व्यवस्था की है, इसे उन्होंने गुरुकुल का नाम दिया है। सपना अपने इस गुरुकुल में इन बच्चों को 1.5 घंटे निःशुल्क पढ़ाती हैं। इसके अलावा उनके लिए कॉपी पेंसिल का प्रबंध भी स्वयं ही करती हैं, जिससे उनको पेंसिल इरेजर सॉफ्टनर का प्रबंध खुद ही करती थी, बट अब वो भी हमने निःशुल्क कर दिया है बिल्कुल ही। जिसके लिए सपना एक्स्ट्रा वक्त निकालकर चूड़ी का काम भी करती हैं, जिससे वे अपने गुरुकुल को निरंतर चला सकें। उसके बाद बच्चों की जब लीव होती है तो फिर मैं ये चूड़ी का काम भी करती हूँ। हालांकि सपना की खुद की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वे अपने परिवार के जीवन यापन के लिए स्वयं भी एक निजी स्कूल में पढ़ाकर अपने पति का सहयोग करती हैं। मेरे पतिदेव हैं जो कपड़े का ठेला लगाते हैं और मेरे अपने 2 बच्चे हैं, एक का नाम अभिषेक और एक का नाम साहिल है, जो 1 10 ईयर्स का है और 1 70 ईयर्स का है। सपना के पति पटरी पर बच्चों के कपड़े बेचते हैं। उनके 2 बेटे हैं जिन्हें दोनों मिलकर अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयासरत हैं। मैं सुबह 4 बजे मेरा उठना रहता है, फिर घर के सारे काम फ्री करके 7 बजे मुझे स्कूल पहुंचना होता है। स्कूल पहुंचने के बाद वहां से जो भी होता है 2 बजे वहां की लीव होती है। 2 बजे के बाद आपका फिर से घर देखना, उसके बाद बच्चे आते हैं तो बच्चों को देखना। सुबह तड़के उठना, घर का काम करना, नाश्ता तैयार करना, फिर स्कूल पढ़ाने जाना और फिर स्कूल से लौटकर गुरुकुल चलाना, घर के बाकी काम करना, सबके लिए खाना पकाना और फिर रात को चूड़ी का काम करना। मुश्किलें तो आती हैं क्योंकि हेल्प के लिए कोई नहीं है। लड़के अपना अपना वर्क करते हैं, बेटी तो कोई है नहीं जो सपोर्ट करे, बट फिर भी मैं कर लेती हूँ। मेरा अपना ही खुद का मन था कि मैं कुछ करूँ, इन सब लोगों के लिए कुछ करूँ शुरू से। लेकिन सपना का संघर्ष यही खत्म नहीं होता। इसके अलावा सपना खुद के पढ़ने के लिए भी वक्त निकालती हैं। सपना बताती हैं कि वे अपने गुरुकुल में 40 बच्चों को पढ़ाती हैं और अब तक लगभग 200 से अधिक बच्चों को शिक्षा दे चुकी हैं। हम सपने के इस जज्बे को दिल से सलाम करते हैं जी। शुरुआत में मैंने 15 बच्चों से स्टार्टिंग की थी। जब बच्चों को पता चला कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी चल रही है तो बच्चे अपने साथ में ही और बच्चों को लेकर आए, तो इस तरीके से उनमें ग्रोथ होती गई और यहाँ से समथिंग 200 बच्चे पढ़ के जा भी चुके हैं। अभी तो इसमें हमारी संस्था में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रियल में कहीं पढ़ते भी नहीं हैं। अच्छा। रियल में, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मजदूर वर्ग से थे तो वहाँ से हमने उनको समझाया तो यहाँ हमारे गुरुकुल में 1 घंटे के लिए वो आते हैं। कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से भी हैं। नहीं, मुझे 6 साल हो गए बट इस तरीके की कोई भी सुविधा यहाँ तक नहीं आ पाई है। ज़्यादा कुछ नहीं, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये है इन बच्चों को अगर समय पर थोड़ी सामग्री मिलती रहेगी, जैसे पेंसिल हुआ,
या नोटबुक्स वगैरह हुई, तो ये बच्चे आते रहेंगे, या कुछ अदरवाइज और कुछ हुआ, या कोई इनके लिए जैसे प्रतियोगिताएँ हो गई, निबंध प्रतियोगिता हो गई या मोटिवेशन प्रतियोगिता हो गई, तो ये होगा तो थोड़ा बच्चे अग्रसर रहेंगे आने में।